जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत के इस एक्सटेंडेड टाइम में। और टाइम इसलिए बढ़ाया है, एमरजेंसी अपील जारी है रात से ही, और जितने भी लोग आ सकते हैं नमाज़ जुमे की आप भी तैयारी कर रहे होंगे, तो 12:47 की जो अज़ान है तब तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन ब्रेक के दौरान आप होल्ड पे थे, आप दोबारा आ सकते हैं अगर आपकी कॉल ड्राप हो चुकी है। तो सिस्टर, एमरजेंसी अपील, 27,100 पाउंड की ज़रूरत थी और तकरीबन हमारे पास अब 10,000 पाउंड की और ज़रूरत होगी। अगर मोटा मोटा हिसाब हो तो जी 10 लोगों की ज़रूरत है या 10 इदारों, जैसे हमारी एक बहन सकीना ट्रस्ट से हजार पाउंड एक लेकर हज़ार आए। पाउंड उन्होंने दिया है, अहले बैत टीवी की तरफ से 2,000 पाउंड माशाल्लाह उन्होंने सिस्टर जैदी साहिबा ने दिए हैं, जारा जैदी साहब और जो 100, 50, 10, 20 जितने भी लोग आ रहे हैं उनके अमाउंट, नाज़रीन आप ये ना घबराइए, ये मौला का और आपका मामला है। जितने भी आप इस्तात रखते हैं आप ज़रूर इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए, ताकि हिदायत का ये जो पैगाम है वो ता क़यामत, हम रहें ना रहें, हिदायत टीवी ज़रूर रहना चाहिए। बिल्कुल। और वही बात है नाज़रीन के इस वक्त अगर आप देंगे तो आप समझें कि आपने हिदायत को दोबारा से ज़िंदा किया है। ये अगर आप सिचुएशन है अभी देंगे तो ये आप जी, याद रखिएगा। और इस वक्त बहुत मुश्किल का वक्त है और आपको ज़रूर आगे बढ़ना है। दो चीज़ें, एक तो आपको ये डोनेशन देना है, दूसरा आपने ये करना है कि आपका जो नेटवर्क का हिदायत, नेटवर्क लिमिटेड में बैंक में आपने जाके डायरेक्ट डेबिट सेट कराया है उसको आपने मूव करना है। आजकल में हमारे पास बहुत कम टाइम है, हिदायत वेलफेयर सोसाइटी में। कॉलर बिल्कुल सही हो मुझे रोक दीजिएगा। जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करें, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, शायद दोबारा कॉल ड्रॉप हो गई, जी आप आप दोबारा कॉल दोबारा कर सकते आइए, हैं, हमारे ज़रूर पास आइए। अभी टाइम मौजूद है। और चलें, स्पेशल इस वक्त मैं बैठी हूँ अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करने के लिए, जो इस वक्त किचन में खाना बना रही होंगी, नमाज की तैयारी कर रही होंगी, प्लीज़ आप कुछ ना करें तो 50 पाउंड तो आपने देने ही देने हैं। ये आपका फ़र्ज़ है, आपने आगे बढ़ना है। ये कतरा कतरा हमारा समंदर बनेगा और ये 50 पाउंड आप बिलीव करें हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त, बिल्कुल आपको इस सही। बात का अंदाज़ा नहीं है। और ये कम से कम है, जो जितना ज़्यादा दे सकता है जी वो 500, 1,000, जी दो हाँ, हज़ार तो इंशाल्लाह जो ज़रूर देने आप वाले हैं आइए। वो तो फिर दे ना, वो तो 1,000 से कम ना दे। और जी मैं बिल्कुल बोलूंगी इस वक्त सकीना ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश करूंगी, आगे बढ़िए इदारों में। और उसके अलावा मुझे बाकी तमाम इदारों का इंतजार है, जो यूके में, इंग्लैंड में, यूरोप में, आप किधर भी हैं, आप इदारे इदारों की भी बड़ी जिम्मेदारी है हिदायत टीवी को चलाना और उसको बचाना। इस बिल्कुल नाम सही, को चलाने के हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब की जिम्मेदारी है और क्योंकि एक मानचेस्टर के मरकज है। 14 इदारे, मुझे बड़ा इंतजार है आपकी कॉल का। मैनचेस्टर के 14 इदारों तक भी ये प्रोग्राम जा रहा होगा, उनकी मिसेस, अगर हस्बैंड घर में नहीं है तो मिसेस घर में होंगी, बहनें घर में होंगी, उन तक भी ये मैसेज जा रहा है। प्लीज आगे बढ़िए, आज के दिन आपको आगे बढ़ना होगा। इंशाल्लाह। और देखिए, ये हिदायत टीवी ऐसा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे जब उनकी माली मुश्किलात होती हैं वो अपील्स भी करते हैं, जी सारा हाँ कुछ एक पैगाम जो है दुनिया भर तक पहुँचता है। यहाँ मस्जिद बन रही है, यहाँ इमाम बारगाह बन रही है, हॉलैंड जहां में, मजलिस हो डेनमार्क रही में, है, तो यहां जश्न क्वेटा हो रहा से, है। पाकिस्तान से, अमेरिका से भी लोग डोनेट करते हैं, जी हाँ तो कोई भी मुश्किल हैं। अब फ़र्ज़ किया वहाँ पे जो शोदा का क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं हिदायत टीवी ने माशाल्लाह इस कार खैर के लिए नहीं हिस्सा डाला, कुर्बानी हो, सैलाबजदगान हो, शोदा के वर्षा हो, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हिदायत टीवी के ज़रिए हमने आगे पहुँचाए हैं। तो हिदायत टीवी एक मरकज़ है, हिदायत टीवी है तो हम सब की आवाज़ है, वरना इमाम बारगाहें, मजालिस, ये तमाम सिलसिला एक होता तो है लेकिन ये उन घरों तक नहीं पहुंच पाई। मजालिस में वही बंदा जा पाता है जो खुद चल के जाएगा जी या हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, लेकिन हिदायत टीवी तो रिमोट कंट्रोल आपके पास है, देखना चाहें ना देखना चाहें कुछ ना कुछ एक जुमला, एक मौला का पैगाम, कोई एक कॉल हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल दे। बिल्कुल। और प्लीज़ आप ये ना देखें, जो फारूक भाई भी शुरू से कह रहे हैं कि आप क्या दे रहे हैं, आप ये ना देखें, अमाउंट ना देखें, आपने आगे आना है। आपके अमाउंट नहीं, आपकी जो नीयत है, आपका जो खुलूस है, बिल्कुल वो कबूल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, तो इसमें घबराने की बात और नहीं है। कॉल्स प्लीज़ नहीं रुकनी चाहिए, आप हमें बात करने ही ना दें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, कॉल्स बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। हमने पानी पीने के लिए ब्रेक ली थी, ब्रेक वो लेनी टाइम थी। बढ़ाया तो ये ना समझेगा कि ये टाइम जो है वो फिर अब खामोशी से गुजर नहीं, जाए, अभी मेरी बहुत सी बहनें रहती हैं जो अभी बहुत फ़ोन सी बहन उठाएंगी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर उठाएंगी। तो उनके लिए कोई दुआ ऐसी आप दिल में पढ़ रही हैं कि वो फ़ोन उठाएं जल्दी से? मैं कोई दुआ नहीं पढ़ रही। अच्छा, सबको एहसास होना चाहिए, जी वो ऊपर हाँ जो एमरजेंसी अपील लिखा है उसी में एक सारा कुछ पैगाम छुपा है
हिदायत टीवी एमरजेंसी अपील। तो एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बहन कहाँ से? जी सकीना बात कर रही हूँ। जी सिस्टर, बात कीजिए। जी यू कैसे? जी, जस्ट मुझे मालूम करना था मैं कौन से अकाउंट का डिटेल हूँ, इफ आई वांट टू डोनेट समथिंग। अच्छा, आप यूके से हैं तो आप ये हिदायत वेलफेयर सोसाइटी में जमा करा सकती हैं, ओके, तो ये जो आपकी लेफ्ट साइड आई पे। वांट टू डोनेट 50 पाउंड प्लीज। जजाक फिफ्टी अल्लाह, पाउंड जजाक जजाक अल्लाह, अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहन। सलामत रहिए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सकीना बहन यूके से 50 पाउंड, और यूके नाज़रीन के लिए हिदायत वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट है, और जहाँ पर यूरोप के नाज़रीन जहाँ हिदायत का अकाउंट नहीं उनके लिए अच्छा, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है। अस्सलाम वालेकुम हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, जी। आप हिदायत टीवी से बोल रहे हैं? जी, हिदायत टीवी पे मोहतरम, आप लाइव हैं, आप जी बिल्कुल बात लाइव कीजिए। हिदायत टीवी क्या पे। बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज़ साफ है सर, आप बताइए कितना डोनेट करना चाहेंगे। मैंने पहले भी फोन किया था आज सुबह, जी क्योंकि जी थोड़ा इधर खुशी का मकाम पैदा हो गया था, तो अच्छा, हमने सोचा है कि बेहतर ये है कि ये खुशी इमाम के नाम से माशाल्लाह शुरू करें, तो माशाल्लाह मैं 50 पाउंड माशाल्लाह इस फंड में दूंगा, माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैं ये पैसे मंडे को जमा कराऊंगा HSB बैंक में। ठीक है, ठीक है जी, ठीक बहुत है। शुक्रिया, तो जजाकअल्लाह। आपने दुआ करनी है कि खुशी ये है कि मेरे भतीजे के घर बेटा पैदा हुआ है 4 बच्चियों के बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसलिए आप उसके लिए दुआ करनी है आपने। इंशाल्लाह सदा सलामत रहे। और बहुत अच्छा आपने उसके लिए एक जी ऐसी आगाज़ किया उसकी जी ज़िंदगी हाँ में 50 पाउंड्स का डोनेट करके, तो वो भी इंशाल्लाह कायम और दायम रहे, हिदायत टीवी भी कायम और दायम रहे सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जजाक अल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो उनके बिल्कुल। देखें भतीजे को इसी भी। तरह आप आगे आए और इन्होंने अपने बेटे के लिए जो इनका हुआ है जी, उसके लिए 50 पाउंड दिए, और बड़ी बात है। और मेरी बहन है, प्लीज़ आप आगे और आए, मैं कॉलर के चाहूंगा कि जो 4 बेटियां हैं उनके नाम के भी 50-50 पाउंड जरूर दें। बिल्कुल, अगर देने वाले हैं दे सकते हैं, तो प्लीज़ दीजिए, जी, रुकिए ये मत, बेटे के सदा सलामत रहे, बेटे सदा 50 पाउंड सलामत क्या वो है। जी 1,000 दें उनके, लेकिन जो जी बेटियां हैं 4 उनके नाम के भी जरूर सर, आपकी कॉल का इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी, मैं अपने डैडी के लिए डोनेट करना चाहती हूँ, डैडी की तरफ से। जी ठीक जी है, बिस्मिल्लाह। अपना जी, मेरे डैडी का नाम है जुल्कार हुसैन नकवी। जुल्कार माशाल्लाह हुसैन नकवी, माशाल्लाह जी। जी, मैं के लिए बेबी जैनब की के लिए 69 पाउंड, 69 पाउंड, सिक्सटी 160 और 160 हिदायत टीवी के लिए। माशाल्लाह, 130 130 पाउंड इस फंड और में। जुल्फकार साहब किस शहर में रह रहे हैं सिस्टर, किस कहाँ से बात कर जी रही है? जी मैं ब्रैडफोर्ड से फोन कर रही ब्रेडफोर्ड हूँ, से, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ब्रैडफोर्ड से। एक काफी अरसे के बाद आवाज सुनी है मैंने ब्रैडफोर्ड की, जी बिल्कुल, रात से माशाल्लाह। तो भी मेरे कुछ लोग डैडी आए। जुल्कार से नकवी के लिए प्लीज दुआ करना, ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर, नकवी साहब के इंशाल्लाह। लिए हम सब की दुआएं हैं, नाज़रीन उनके लिए दुआ करेंगे, और बल्कि नकवी साहब हमारे लिए दुआ करें कि इसी तरह का ये बिल्कुल सिलसिला जारी रहे। बिल्कुल तकरीबन 209 पाउंड जो है, बल्कि तकरीबन 200 पाउंड के लगभग। लेकिन आप 130 इनको काउंट करें जी प्लीज, क्योंकि बिल्कुल सिक्सटी सही, नाइन मुहिबान ज़ायर 199। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूख भाई, उज्मा बहन, मोहम्मद अली लंदन से गौरव फरूख माशाल्लाह, भाई। मोहम्मद अली जी भाई, माशाल्लाह, मोहम्मद अली माशाल्लाह, साहब। क्या जी हाँ जी, अल्लाह ताला आपको इस क्राइसिस से बाहर निकाले, तो और बात है, मुझे, मैं भी डोनेट करता हूँ। पहले बिस्मिल्लाह। तो मैं बात ये करूंगा कि उम्मत सुन रही है अपना, हदाय टीवी देख रही है, और जी हमें शर्म आनी चाहिए कि हम कल की अपील कर रहे हैं और इतनी बड़ी उम्मत और छोटे से चैनल के लिए वो फंड 27,000 पाउंड इकट्ठा नहीं कर सकते। नहीं नहीं हो जाएंगे ये इंशाल्लाह। खुदाया खुदा, और जो अपने अपने इख्तलाफात छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अहले तशी भाई रहे, मेरे अहले सुन्नत वाल जमात वो भी सुन रहे हैं। अल्लाह के बंदो, किसी कोई कराची से आ जाए और कोई अपील करे मुसलमान भाई, तो उसकी मदद करो, जितनी भी हो, पाउंड हो, 2 पाउंड हो, 5 पाउंड हो, सही बात, खुदाया ये चीजें, नफरतें छोड़ दो, ये सबके लिए चैनल है और मुसलमानों की आवाजें पहुंचती हैं। मैं अपील करता हूं, मैं सबसे मुसलमानों से अपना कह, खुदाया को 2-2 पॉइंट भी अगर यूरोप दे, खुदा की कसम आधे घंटे में पैसे पूरे पूरे हो जाते पूरे हो हैं। जाएंगे। और उठो और अपने अपने फोन उठाओ और इस क्राइसिस से अपने मुसलमान भाइयों की मदद जज़ाकअल्लाह, करो। और मैं माशाल्लाह ऐलान करता हूं फरूख भाई कि
मैं भी क्राइसिस में हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे वादा करता हूँ मेरी तरफ से हदायत टीवी को 20 पॉइंट जो है मैं जितनी मेरी हिम्मत है मैं बहुत आपको बहुत शुक्रिया तो उम्मत से फिर अपील है कि खुदाया उठो और टीवी पे आओ और हदायत टीवी को क्राइसिस से बाहर निकालो। मोहम्मद अली भाई और बिल्कुल परेशान ना रहे, मुझे फख्र है अपनी कौम पर, शिया कौम पर, बल्कि उम्मत मुस्लिमा पर, यही कौम हमें बचाएगी और देखिएगा कितनी जल्दी बचाएगी। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ इंशाल्लाह। और देखिए 5 साल हुए 60-70 हज़ार पाउंड महाना फख्र है हमें अपनी कौम पर। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सिस्टर मैं मीना बोल रही हूँ लंदन से। जी सिस्टर मीना बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी मैं 50 पाउंड डालूंगी मंडे को आपके ये जो हदायत वेलफेयर सोसाइटी है ना उसपे। जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। और दूसरा मैंने डायरेक्ट डेबिट करना है 14 पाउंड, वो कैसे करना है, अपने अकाउंट से या ये अकाउंट इस अकाउंट से? आपने इसी अकाउंट में वेलफेयर सोसाइटी से आप बैंक उसी दिन जब जाएंगी तो उसी वहीं पे 14 पाउंड आप जमा करवा दीजिएगा और उनसे कह दीजिएगा तो ये 50 पाउंड में मंडे को जमा करवा दूँ। जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया, सलामत रहें सिस्टर। ठीक है हमारे मेरे बच्चों के लिए दुआ गो रहे हैं, मैं मंडे को आपको फोन करूंगी दुआ के लिए। इंशाल्लाह जरूर बहन, जरूर बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं नाज़रीन के अब वो वक्त नहीं है कि ठीक है आप हो सकता है चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन कहां से? जी मेरा नाम साजदा है, मैं ब्रैडफोर्ड से फोन कर रही हूं। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सिस्टर साजदा जी। जी मैं बात कर रही थी आपसे पहले तो फोन लाइन कट हो गई थी। जी 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 जी। तो मेरे डैडी ज़ुल्फ़िकार से नकवी अभी दुनिया भर नहीं है। अच्छा अल्लाह उनकी मदद करे। अल्लाह उनकी मगफरत करे सिस्टर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। ये जो 130 आपने दिए है ना समझे ये जाया नहीं गए, उनके बड़े काम आएंगे। जी जी बिल्कुल उनके काम आएंगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सिस्टर ज़ुल्फ़िकार सैद नकवी साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत। और ये जो गए ना मरहूमीन के लिए 130 पाउंड, अब मैं दिल से मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है कि उनको बहुत काम आएंगे। बिल्कुल। और ज़ुल्फ़िकार नकवी साहब हमारे शुरू दिन से हिदायत टीवी के साथ हैं और उनका पैगाम भी हिदायत टीवी पे चलता है, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक बेहतरीन काम वो करके गए हैं और ये बेहतरीन तोहफा भी हमारी साजदा बहन ने अपने वाले साहब के लिए भेजा है, तो मरहूमीन के नाम पे इस तरह के तहफ़ जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन कहाँ से? मैं संजीदा बात कर रही हूँ लंदन से। जी माशाल्लाह जी बहन जी, मैं 50 पाउंड डोनेट करती हूँ आजाद टीवी के लिए अपनी अम्मा जी की तरफ से, अपनी वालदा की तरफ से, और मैं ये वेलफेयर सिक्योरिटी वाला नंबर इसमें डाल दूंगी ऑनलाइन। ऑनलाइन लंदन से आप हमारे साथ हैं, ठीक है, हमारे लिए दुआ करना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे आपको हमेशा। मैं समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप सिस्टर लिख दें लंदन से, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा ये मेरी बड़ी अच्छी बात इनको लगी कि मैं अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये, इस वक्त ऐसा है कि आप अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो अभी कर दें जी हाँ, और बैंक जा सकते हैं तो घर से आज ही निकल जाएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि हमें इमरजेंसी का मतलब है कि हमें आज कल में, आप वैसे हमारे पास 10 दिन है लेकिन अगर आपने देने का इरादा कर दिया है तो बस आप निकल जाएं। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई जी, बिस्मिल्लाह। मेरा नाम जीनत जान मोहम्मद है जी। माशाल्लाह जी। और मैं डोनेशन देना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ बस मैं आपको हमेशा सुनती हूँ, मुझे आपकी आवाज़ भी बहुत पसंद है। मेहरबानी, रब जाने ते उसे न जाने बहुत पसंद है। और आपको ये बहन को भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सिस्टर। हाँ बस आप दुआ में रात रखिएगा और मैं अभी डोनेशन कर देती हूँ। और सिस्टर अपना अमाउंट बताना चाहेंगी, कितना डोनेशन करेंगी ताकि हमें पता चल जाए? मेरी हैसियत के मुताबिक इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपके ये करोड़ों पाउंड हैं सिस्टर, बिल्कुल जो दे, ये ना देखें क्या दे रही हैं, आप ये देखें कि किस दर को जा रहा है, ये ना देखें आपकी नीयतें, आपका खुलूस, आपका मोहब्बत जाएगा वहाँ, उनको इस पैसे से क्या लेना। नहीं जी नहीं, अमाउंट वगैरह कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं रखता, और जितनी इस्तात है वो आप उसमें जमा करवा सकते हैं। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं, ये सबसे कीमती हैं, और जिस चैनल को इतनी दुआएं देने वाले हों, मोहब्बतें हों, बुजुर्ग बच्चे
और हमारे ऐसे पेंशनर्स ख्वातीन हजरात जो, और इससे पहले जो मोहम्मद अली साहब आए, हालात जो हैं वो आजमाइश में रहते हैं। और ये वो डोनर्स हैं, जैसे अब बिजनेसमैन की बात होगी, सब बड़े लोगों की तो बात होगी, इदारों की बात हो रही है, प्लीज चीजों से दूर रहते हैं। जी जी। लेकिन एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूख भाई, सिर्फ आधा मिनट लूंगा। यही आप बहुत अच्छी मेरी बहन ने बात कही कि 10 पाउंड भी आपके करोड़ के हिसाब के बराबर है। अल्लाह ताला आपको अजर दे, आपने दुआ दी उस बहन को। यही बात नबी मस्जिद नबवी के अंदर थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए कहा कि लाओ सब कुछ लाओ, तो मेरे एक सहाबी थे बड़े भाई, उन्होंने फरूख भाई 2 खजूरें ला के उस ढेर के ऊपर रख दी और सारे के सारे हंसना शुरू हो गए जितने भी लोग थे वहां पे। उनका ये 2 खजूरें और मेरे कुर्बान जो मैं अपने रसूल के ऊपर, उन्होंने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उन्हें दोनों खजूरों को हाथ में लिया और कहा खुदा की कसम जितना माल यहाँ पे पड़ा हुआ है इनसे सबसे अफजल ये 2 खजूरें हैं। मेरी बहन ने 10 पॉइंट भी दी है, आपने दुआ दी है, ठीक है जितने भी हो आए और निकले और इस क्राइसिस को अभी आप बिल्कुल निकालें। आपके 19 पेंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं जिस तरह फारूक भाई हम शुरू से बता रहे हैं कि 19 पेंस उन्होंने बिल में लगा के भेजे और आपका ये 19 पेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पेंस इस वक्त इंपॉर्टेंट है आपका। बिल्कुल, और कोई भी अमाउंट ये तो होना ही नहीं चाहिए, सोचे बंदा कि 5, 10, 50 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना देने से आप जरूर शर्माएं, ना देने से आप जरूर शर्माएं, लेकिन कम देने से आप ना शर्माएं। अगर आप 5 पाउंड भी देते हैं पंचतन 5 के नाम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। बिल्कुल सही, और हमारे लिए मोहतरम है अगर कोई कॉल करके जितना भी अमाउंट बताता है वो तो आपका जितनी इस्तात है मौला जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि कितना आप तौफीक आपके अंदर है और आप दे सकते हैं, तो हमें उससे कोई नहीं है लेना देना। या हमारे लिए वो भी उतने ही मोजज़ हैं जो हज़ारों दे रहे हैं, और 1 पाउंड और सिर्फ जो दुआएँ दी हैं। ताजा रापा साहिबा वो कह रही है मैं नवम्बर में आके कुछ जमा कराऊंगी, लेकिन शुरू दिन से वो देती आई हैं और उनकी दुआएं हमारे लिए काफी हैं, काबिले सलाम है। बेशक बेशक, तो इन हालात में देखें कि रात से हिदायत टीवी को जैसे ही लोग, अभी सारे लोगों को अभी पता नहीं चला, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है अपनी फैमिलीज में बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि देखो हिदायत टीवी में प्रॉब्लम आ गई है, खड़े हो जाओ, जो दे सकते हो वो दो। जी बिल्कुल, और जो मेरी बहनें जाहिर हालात अगर तंग हों, हाथ तंग हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खब्बे पासे बिल्कुल तक दे रहो, इंशाल्लाह चलता रहे सी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करया करो, मौला करम करो। माँ जी तुसी साडे वास्ते दुआ करो, सानू तुहाड़ी दुआ चाहिए। बिस्मिल्लाह, मैं तो बैठी रहनी हां ना इथे। ए माशाल्लाह सलामत रहो। प्रोग्राम अपना ए तकनिया जरूरी। बस ए जरूर तकियो ते अल्लाह रहम करे, अल्लाह मदद करे, मौला सारे पैसे पूरे हो जाएं। इलाही आमीन इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मदद करे, अल्लाह निवाला, खुदा हाफिज, अल्लाह दे वाला, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, सलामत रहें। लीजिए ये 50 पाउंड ये बरकत वाले पैसे होते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, होड़ जाके जमा कराए। कमर अब्बास नकवी अगर वो सुन रहे हैं तो पूरा उनको जल्दी से जल्दी, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे HSBC का UK में व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए अकाउंट है। बिल्कुल, आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आप ऑनलाइन अभी ट्रांसफर कर दें और बैंक के लिए अभी निकल जाएं, और लेकिन हमें जरूर बता दें कि मैं ये जमा करा रहा हूँ या ये जमा करा दें। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरूख भाई, मैं नरगिस बतूल बोल रही हूँ। जी शुक्रिया। लंदन से नरगिस बतूल बोल रही हूँ। एक मिनट में आवाज थोड़ी करती हूँ। जी आज तक मैं, और ना मैं मिसेस मलिक मेरी एक बड़ी अच्छी बहन है, वो चल भी नहीं सकती, उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरे 110 पाउंड डाल दो, मैं वो मुझे देती रहेंगी, उनका कोई मसला नहीं, लेकिन आप उनके लिए हाथ दुआ करनी, मौला हुसैन उनको सेहत दे और उनको बच्चों की सलामती हो। मैं अभी रोड लाइन में डलवा देती हूँ 110 मिसेस मलिक दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें सिस्टर, वो भी सलामत रहें। इलाही आमीन, इलाही आमीन, जज़ाकअल्लाह। ये देखें आप, ये जज्बा है मेरे कौम की बहनों का।
सुभान अल्लाह। और मिसेस मलिक साहिबा को अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहत याब करे। जो नाजिन इस वक्त दुआ के लिए कह रहा है हमारी कोई औकात नहीं, हम गुनाहगार बंदे हैं। जो इस वक्त दुआ के लिए कह रहा है, इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं, आप हाथ बुलंद करें, आप दुआ मांगे, क्या पता किसकी दुआ किसको लग जाए। बेशक बेशक। और देखें जज्बा देखें कि वो खुद नहीं चल सकती और उनके लिए हिदायत टीवी कितना बड़ा सहारा होगा। सहारा है, बल्कि हम सब अभी देखें, जो जो इसको एक पाउंड दे रहे हैं वो देखे, वो चल नहीं सकती और वो इस जिक्र को अपने घर में सुनती हैं। जी बिल्कुल। तो आखिरी 10 मिनट है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जैसे कोई इदारों के लोग सुन रहे हैं तो अगर आप कोई मदद कर सकते हैं हिदायत टीवी की, बल्कि ये फर्ज है, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम सबकी ये जान है, हम सबका ये मरकज है, हम सबकी आवाज़ है, तो इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए। जो बहनें आ रही हैं 50 पाउंड 10 20 जितने भी आए हैं, हमारे लिए बहुत ही वो मोहतरम हैं, हमारे लिए हिदायत टीवी की एक समझ लें कि उनका एक उन्हीं की वजह से और मौला पंचतंत्र पाक की खास फजल से ये चल रहा है। तो ये सिलसिला जारी रहे, प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाए, डोनेशन हॉटलाइन ओपन है, आपको जैसे जैसे पैगाम मिले, जो लोग आए हैं रात से आज तक जो आए हैं अभी तक, वो भी अपने अजीज़ो कारम को फ़ोन कर लें कि आपने हिस्सा दे दिया और छोटा सा एक झटका और चाहिए और इंशाल्लाह हम 27-28 हज़ार तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और वही बात है नाजिन, हम अगर इस वक्त प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन शाम तक बैठे हैं, रात में फिर आएंगे, इस वक्त किसी का कोई प्रोग्राम करने का कोई ना मन है ना दिल है, क्योंकि वक्त हम पर मुश्किल का पड़ा है और दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आता है, और आपकी वही हमें साथ की ज़रूरत है हमेशा की तरह, जैसा कि मौलाना बताते हैं हमेशा की तरह आप लोगों ने मदद की और इस बार भी आप ही लोग हैं जो मदद करेंगे। बिल्कुल। और 5 साल ये माशाल्लाह 5वां साल इसका कम्प्लीट हो रहा है, 2 नवंबर को इसकी सालगिरह भी है, तो खुशियाँ, ये तमाम जश्न, ये तमाम जो एक रानाइयाँ हैं स्क्रीन पे, वो तो हिदायत टीवी की वजह से। बिल्कुल। और कॉल नहीं रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। बिल्कुल, मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप किचन से निकल जाएं, जिधर भी हैं फोन उठाएं, कॉल नहीं रुकनी चाहिए, टाइम बहुत कम है, टारगेट बहुत बड़ा है, आपने आगे आना ही है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। वो कुर्बानी का गोश्त की पेमेंट आप ले सकते हैं? हम ले सकते हैं, लेकिन आप डोनेशन हॉटलाइन पे आप फोन कर दें। अच्छा, जो गाय खत्म हो चुकी है, बकरे बच्चे हैं, तो बकरों के लिए आप 48 वाले नंबर पर रब्ता कर लें प्लीज। कौन सा नंबर सॉरी? ये जो दूसरी पट्टी पे नंबर आ रहा है, डोनेशन हॉटलाइन पे। अभी मैं बाहर हूँ सॉरी। अच्छा, तो नंबर दे दें सर। आप जल्दी से लिखें 00441274 2944888 8 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
शायद उनको ईद कुर्बानी और जो जो इसमें मैं आपको बताऊं जो जो इसमें डोनेट कर रहा है ना उसके असल ये दिए है उसको जो खुशी मिल रही होगी ना दिल को सुकून मिल रहा होगा इस वक्त के हमने कितनी हेल्प से निकाला है हिदायत टीवी को। बिल्कुल सही। तो बस इसके बाद ये जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे कोई एक जश्न का इन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करने के लिए क्योंकि हमारे पास वो तरीक़ाकार जो उनको दिली सुकून है वो हम मज़ीद तो नहीं लेकिन एक अच्छा सा जश्न ईद के दिन हम ज़रूर इन तमाम नाज़रीन को याद रखने के लिए मनाएंगे। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे फरूक बेटा? जी बिस्मिल्लाह। जी आप बिल्कुल, आपकी दुआएं। साहिबा बेटी आप ठीक हैं? जी आप बिल्कुल ठीक हो। अल्लाह आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और मैं भी 50 पाउंड देना चाहती हूँ। माशाल्लाह, सलामत रहे आप। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखे। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप भी दुआ में याद रखिएगा। मैं अपने बेटे को कहूँगी वो इंटरनेट के जरिए दे देता है। बस बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपा। ओके, नाज़रीन ये भी हमारी जो आपा है वो व्हील चेयर पे बैठ के ये टीवी देखती हैं तो सोचें कि आप लोग कितना खुश नसीब हैं कि ऐसे बुजुर्गों को नामे हुसैन जिक्र हुसैन सुना रहे हैं। पे हमेशा कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग इतना कन्विंसिंग
प्रोग्राम दे रहे हैं कि आपकी गुफ्तगू सुनकर के रहा नहीं जाता घर में, और दिल करता फोन उठाए और जल्दी से कुछ ना कुछ कर दे। मैं ऑलरेडी 50 pounds डोनेट कर चुकी हूँ एंड मैं और 50 pounds डोनेट करने लगी हूँ जस्ट बिकॉज आपकी कॉन्वर्सेशन सुन सुन के, और इतना आप कन्विंस कर रहे हैं कि आप बिलीव कर रहे हैं कि मैं घर में बैठी हुई थी तो मेरी बेटी मुझे कहती है मोम हमें चूड़ियां नहीं चाहिए, बहने तो मेहंदी हम आप इनको दे दो डोनेशन, सलामत रहे तो आप पहले इनकी हेल्प करते हैं फिर हम हैप्पी हो जाएंगे। तो मैंने 50 पहले डोनेट किए थे और 50 अगेन डोनेट कर रही हूँ। और बहन अपना नाम दोबारा बताएंगी? जी मेरा नाम सहरिश है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। हम सुबह से आपका प्रोग्राम ही देखे जा रहे हैं, आज फ्राइडे है अभी नमाज के लिए भी तैयारी हो रही है सब, लेकिन आपकी बातें सुनकर और जो हदायत टीवी पे इस जो प्रॉब्लम आई हुई है मौला मुश्किल कुशा से आसान करे जल्दी से इंशाल्लाह मुश्किलें आसान करे। तो मैं बता नहीं सकती कि आपकी गुफ्तगू सुनकर ऐसे हो रहा था कि जैसे पता नहीं अगर आज नहीं उठेंगे तो कभी भी नहीं उठ सकेंगे, यू नो इट्स जस्ट सो मच आप इमोशनली भी और यू नो लाइक मेंटली भी एक जस्ट ऐसे जैसे कि एक आप सिराहे मुस्तकीम पे सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं और आपको करना ही करना है। 50 pounds मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, डिटेल्स भी दे चुकी हूँ, मैं पहले यहाँ लाइव नहीं आई थी, बैक पे मैंने दे दिए थे तो अब मैं लाइव भी आई हूँ और अनदर 50 pounds डोनेट कर रही हूँ मेरी बेटियों की तरफ से जो मुझे कह रही है कि हमें चूड़ियां महंगी रहने दो, हमें नहीं जाके शॉपिंग करनी है, पहले टीवी को और 50 pounds हमारी तरफ से ईदी दे दो। तो ये मैं उनकी तरफ से मोर 50 pounds डोनेट कर रही हूँ तो ऑल टुगेदर 100 pounds मेरी तरफ से हो जाएगा। तो प्लीज आप मुझे और मेरी बेटियों को और मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में जरूर शामिल करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, सलामत रहें आप बहुत। आपने बस मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके लिए, आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और आपकी बच्चियों को मैं सलाम करती हूँ कि जिनको भी एहसास हो गया कि देखो ईद की चूड़ियाँ इस वक्त ज़रूरी नहीं है, ईद की मेहंदी ज़रूरी नहीं है, इस वक्त हिदायत टीवी को बचाना है, जिक्र हुसैन को बचाना है, इमाम ज़माना के चैनल को इस वक्त बचाना है। उन बच्चियों को मेरा सलाम, आपकी तरबियत को मेरा सलाम कि जो बच्चियां ये कहने पे मजबूर हो गई, और वही रिक्वेस्ट मेरी तमाम माओं से, तमाम बहनों से, तमाम बेटियों से है कि जो इस वक्त ईद की शॉपिंग के लिए जाहिर है कि जाएंगी कुछ नहीं तो उसमें से 50 pounds आपने बचाने हैं। इस दफा जूते ना खरीदें, जोड़ा कम पैसों का खरीद लें, बच्चियां मेहंदी नहीं लगाएंगी। और सिस्टर आपने बस बात तो सब लोग सुन रहे हैं लेकिन खास लोगों को ही तौफीक दी अल्लाह ताला ने कि वो उठे हैं, दोबारा उन्होंने डोनेशन दिया है। तो हमारा पैगाम या सब लोग इस तरह बात सुन रहे हैं, कोई कोई जिस पर अल्लाह खास करम करता है वो ये अमल करता है। एक और कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक बेटा बोल रहे हैं? जी जी माँ जी बात करें। बेटा मैंने अभी नरगिस का फोन आया था, मैं मिसेस मलिक बोल रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चल नहीं सकती तो मैंने उसको कहा कि 110 pounds मेरा ना जमा करवा दें। जी माशाल्लाह। वैसा तो मैं आपकी वो मेरी मेंबरशिप ही है नबीला के थ्रू, मैं साल के इकट्ठे दे देती हूँ, बैंक जाने का प्रॉब्लम होता है तो बस दो में याद करना। माशाल्लाह, सलामत रहे माँ जी, आप हमें अपने दो में याद, अल्लाह ताला चलता फिरता रखे। सलामत रहे आप। वाह, बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम बुजुर्गों को हमारा सलाम और अल्लाह सुबहानहु तआला इन सब का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। और इसी तरह आप आगे आ रहे हैं। कॉलर है, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मिसेस इजाज हुसैन लंदन से बात कर रही हूँ। जी माशाल्लाह। जी सिस्टर, और मैं अपने और अपने हस्बैंड की तरफ से 50 pounds डोनेट करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, के लिए दुआ कीजिएगा। और मैंने ये अकाउंट नंबर और लिख लिया है तो मैं चला आज ही। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और तमाम नाज़रीन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो जो डोनेशन कर रहा है आप खुद उनके लिए दुआ करें, सारे मिलके जिधर बैठे उनके लिए दुआ करें, किसकी दुआ कब कबूल हो जाए हम नहीं जानते। बिल्कुल सही है। अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से? मैं लंदन से बोल रही हूँ, सफिया। सफिया बहन, सफिया बहन। जी सिस्टर, मैं अपने पापा, मरहूम पापा की तरफ से 50 pounds डोनेट करना चाहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें। अल्लाह ताला उनके लिए दुआ कीजिएगा। 13 को उनका बर्थडे था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उनका नाम मरहूम मोहम्मद तकिया। मोहम्मद तकी। तमाम नाज़रीन उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। इलाही आमीन। सलामत रहें सिस्टर। ऑनलाइन जमा कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुशकिस्मत है आपके वाले, बहुत प्यारा तोहफा आपने भेजा अपने वाले साहब के लिए।
और वो बहुत खुश होंगे। बिल्कुल, खुशकिस्मत है जिनको ऐसी औलाद मिली। बिल्कुल सही। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं न्यूपोर्ट से आफिया बात कर रही हूँ। फिर दोबारा आ गई हूँ। क्यों नहीं, गुस्सा दिला दिया आपने, जोश दिला दिया। अच्छा, मेरे भैया तो जमा करवाने गए हुए 170 पाउंड। अच्छा, तो मैं आज शाम को ही ऑनलाइन और 50 पाउंड जमा करवा देती हूँ। सलामत रहे, सलामत रहे। मैंने अपने मामा के नाम से जमा करवाए हैं। अच्छा, मेरी बेटी के लिए स्पेशल दुआ करें। जरूर जरूर सिस्टर, इंशाल्लाह सलामत रहे मेरी बहन आप, और हमेशा खुश रहे, सदा देने वाली रहे। वाह वाह वाह। अच्छा, ये चैलेंज, तैश, गुस्सा, ये जज्बा, ये मेरी कौम का जज्बा जिसपे फख्र है मुझे। वाह वाह वाह। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं 50 पाउंड डोनेट करना चाहती हूँ आपकी इस इमरजेंसी जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुमताज हयात। मुमताज, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लंदन से। माशाल्लाह, सलामत रहिए। तो मैंने आपकी हॉटलाइन पे मैंने 2-3 दफा ट्राई की है, वहाँ पर बेल होती है, कोई उठाता नहीं। वो बिजी है एक्चुअली, लिख रहे होंगे किसी और की डिटेल। किसी और की डिटेल करते रहिए, अभी हम यहाँ से उठेंगे तो हॉटलाइन में जाएंगे। बेफिक्र रहें आप, करती रहें, आज ही आपने करने, किसी भी वक्त आपकी लाइन मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। बेल होती थी तो किसी ने, नहीं वो लगता है ऐसा ही है कि बेल हो रही है, क्योंकि दूसरे लाइन पे कोई जब लिखा रहा हो तो देर हो जाती है, तो आप 10-15 मिनट ठहर के कर लें। ठीक है मैम। हमारे फोन के साथ ऐसा ही होता है कि जब हम दूसरे फोन पे बात कर रहे होते हैं, कॉल आ रही होती है, तो ऐसा लगता है कि बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। एंगेज आपको नहीं मिलेगा, बेल जरूर जा रही होगी, लेकिन वो बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा होगा। जी हाँ। तो एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप बात करें। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम फरूख भाई जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी लंदन से, मैं तजम्मल बोल रहा हूँ। जी तजम्मल साहब, उज्मा बेटी जानती है मुझे? जी अच्छा। बिल्कुल आपको जानती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, मेरी तरफ से 50 पाउंड लिख लें प्लीज। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, सलामत रहें आप, बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ आखिर में प्लीज वो कसीदा सुना दे, रब जाने और हुसैन जाने। क्या कहने, क्या कहने, बिल्कुल सही, मौला के सदके सारा कुछ हो रहा है। भेज दिए पैसे, भेज दिए, भेज भी दिए, माशाल्लाह, सलामत रहे तजम्मल साहब आप। तो मैं चाहूंगा भाई से कि आखिरी जब 3 मिनट बचे तो फिर मुझे बता दे, ताकि वाइंड अप करें। हम कह रहे हैं रब जाने थे हुसैन जाने, आप डोनेशन दे के हमसे दुआ कराते, मैं कहती हूँ आप जाने थे हुसैन जाने। वाह 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 वाह। और आप हमारे लिए दुआ करें। बिल्कुल। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। करेंगी जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, मैं रशीदा सैयद बोल रही हूँ। फारूक बेटे कैसे हो? जी दुआएं माँ जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, पहचाना है, मैं पाकिस्तान गई थी, अभी आई हूँ, साल हो गया है। बड़ी गौर में आपका प्रोग्राम बड़ी शौक से देखती हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उधर भी पाकिस्तान में भी दया टीवी सुनती हूँ। अच्छा, तो अल्लाह ताला दिल दुगनी रात चुगनी करे दया टीवी को, और आपको भी जिंदगी दे मौला, अल्लाह पाक के साए में रखे, और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, और आप भी दुआ में याद रखिए, और मेरी तरफ से 50 पाउंड। माशाल्लाह, सलामत रहे माँ जी। मेंबर हूँ आपकी मैं। बिल्कुल, आप मेंबर हैं सैयद बोल रही हूँ। जी जी बिल्कुल सही माँ जी। कभी कभी मैं आपको बोलती थी और आप जाने हुसैन जाने, वो सुनाना कसीदा टाइम मिला तो मैं जरूर सुनाएंगे, आज तो जरूर सुनाएंगे माँ जी। हाँ, दुआ में याद रखें, मेरे बच्चों के लिए बहुत दुआ करना, मैं बड़ी दिलचस्पी से आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। अच्छा, टीवी पाकिस्तान में भी मैं सुनती हूँ। अच्छा जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सलामत रहें, सलामत रहें। वाह वाह, हमारी माएँ बहनें जो भी आ रही हैं शफ़क़त से मोहब्बत के साथ। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी बिस्मिल्लाह, कौन कहाँ से? हेलो जी, सलाम वालेकुम। जतोई लाड़काना से बात कर रहा हूँ। जतोई साहब लाड़काना से, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भाई, फारूक भाई। जी जी जी, बात करें, रुके ना भाई। हेलो जी, बात करें भाई जतोई साहब। एचबीएल बैंक का पाकिस्तान का नंबर चाहिए था ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन आप इस वक्त इंटरनेट पे देख रहे हैं प्रोग्राम? हाँ, इंटरनेट पे देख रहे हैं। वो वेबसाइट पे चले नंबर होगा ना आपका अकाउंट नंबर? वेबसाइट पे वो हमारा एक अकाउंट है पाकिस्तान में, एचबीएल तो नहीं गालिबन कोई और। अच्छा, फिलहाल तो अगर आप 12:30 के बाद, बल्कि 12:30 भी हो गए, 1 बजे के बाद कर लें, नमाज के बाद 1:30 बजे के बाद आप फोन करें, हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है। क्या करना है, ठीक है?
या अगर अभी डोनेशन हॉटलाइन पे चेक कर सकते हैं तो जरूर 48 वाले नंबर पे। जतोई साहब लाड़काना से माशाल्लाह सलामत रहें आप भी। वाह वाह, इलाही आमीन, इलाही आमीन। और जल्दी हमारी कोशिश है कि आप सैटेलाइट के जरिए वहाँ एशिया में जो नाज़रीन हैं इंडिया पाकिस्तान यूएई में जल्दी से जल्दी हिदायत दी जाए। और अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, मैं मिसेस जफर बोल रही हूँ लूटन से। मैंने कल शाम को 1000 pound डोनेट किए थे। एक सजेशन या आपको ये देनी है कि आप ये जरा बता दें कि कितने कम है, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को सबको फोन करके कि इतना अमाउंट अभी रह गया हुआ है, तो कि मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं शाम तक उतना अमाउंट आपका दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिस्टर, आप शाम में करके बता दें ताकि फिर मैं सब करके जो आपको सिस्टर अंदाजन तकरीबन अब 16,869 pound थे इससे पहले, थोड़ी देर पहले, उसके बाद कुछ लोग आए हैं तो 8-9 thousand तो कम से कम होंगे अगर डोनेशन हॉटलाइन पे भी जो ऑन एयर नहीं आए। ठीक है, मैं शाम तक जो है ना और जमा करके इंशाल्लाह। सलामत रहें आप, सलामत रहें। सुभान अल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और शाम में भी जो अपील होगी उसमें आपके सामने पूरी सिचुएशन क्लियरली आ जाएगी कि अभी कितना अमाउंट चाहिए, तो शाम में भी आपको इंशाल्लाह जरूर ये पता लग जाएगा कि अब हम। और मुझे उम्मीद है फारूक भाई, दिल कहता है आज ही का दिन है बस हमारे पास, और ये हमारी कौम आज ही के दिन हमें इस मसले से निकाले। और लोगों का क्या कहना कि उन्होंने ये, मैं कहती हूँ इस वक्त लाखों मेरी बहनें देख रही हैं। इस वक्त मैं यूके यूरोप की बात कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, हजारों बहनें चले देख रही हैं। हर इदारे की हर बहन 50 pound भी दे देना, हमारा मसला आज ही खत्म हो जाए। मैं भाइयों से तो बात ही नहीं कर रही, बिजनेसमैन से तो मेजर साहब ही बात करेंगे, भाई 5,000 दो 10,000 दो। मैं अपनी बहनों से कॉलर ले लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, आप फिर आ सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। और मुझे बोलने ना दें, मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे पता है। आप इतनी कॉल्स करें कि मैं बोलूँ ना। बिल्कुल, और माशाल्लाह लोगों ने कम ही बोलने दिया है। हम तो सिर्फ उनसे अमाउंट पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा, इन तकरीबन 2.5 hours में आपका रिस्पॉन्स रहा। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन कहाँ से? एक 500 pound देना चाहती हूँ। माशाल्लाह सलामत रहे। अपना नाम बताना चाहेंगी? तोकीर कौसर। तोकीर कौसर साहब, आप किस शहर से बात कर रही हैं? ब्लैकबर्न से। कैसे देंगी आप 500 pound? आज ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। जरूर सिस्टर, आप दुआ कीजिएगा। तो जी आप जाने थे, हुसैन जाने, हम कौन होते हैं जी कुछ कहने वाले। सलामत रहे आप। देखिए तौफीकात जिनको है और वो फिर दिल खोल के ये मेरी बहन है। मैं कहती हूँ जो नहीं दे सकता वो 50 दे, जो दे सकता है वो 500 दे, 1000 दे, 2000 दे, जो दे सकता है वो दे, कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर डाले, देना है। और हमारी बहन जो आई थी 10 pound वो भी, और 50-100 जितना भी है हम आगे बढ़ रहे हैं वो हदफ की तरफ। तो 500 pound सिस्टर आपने आज ही जमा कराने हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे ब्लैकबर्न से। और कोई अगले कॉलर अगर है, फिलहाल नहीं है, तो 5 minutes हैं, वाइंड अप करते हुए ये कसीदा पढ़ते जाएंगे और मौला का शुक्र अदा करेंगे जिसने आज सबको तौफीक दी है। और इंशाल्लाह बहुत चंद छोटा सा अमाउंट बचेगा और डोनेशन हॉटलाइन ओपन है। कोशिश करें कि रात को कोई इस किस्म की अपील करना ही ना पड़े, उससे पहले ये जो 8-10 thousand pound बचे होंगे वो आप कवर कर लें। और बस हिदायत टीवी पे ये जो भी कार्य खैर में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, हमारे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है, मौला आप पे ख़ास करम करेंगे इंशाल्लाह। जो भी आप दे रहे हैं पता नहीं कितने गुने आपको उसमें अमाउंट में भी मिलेगा और कितनी बलाओं से हम बचेंगे, कहां कहां हमने शायद जो लगाने थे वो नहीं लगाना पड़ेंगे जो आपने मौला के मिशन में दिए हैं। बिल्कुल, लास्ट में कॉलर है, घंटी बजी थी गालिबन कॉलर ने। जी बिस्मिल्लाह। जी लास्ट में सिर्फ इतना मैं आपसे कहूंगी कि कॉल्स रुकनी नहीं चाहिए। प्रोग्राम इस वक्त बंद हो रहा है, जुम्मे की नमाज होगी, लेकिन कॉल्स आपकी नहीं रुकनी चाहिए। शाम तक डोनेशन हॉटलाइन बचते रहना चाहिए। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है प्लीज, 50 pound तो आप दे ही सकती हैं, वो आप जरूर दें। और हमें इस टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। इस मुसीबत में, इस मुश्किल वक्त में आप ही हमारा साथ देंगे और हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम शुक्रिया भी हमारी औकात नहीं है कि हम अदा करें, हमारी कोई हैसियत नहीं है। वही बात है कि आप जाने थे हुसैन जाने, अब हम सुनते हैं फारूक भाई से, रब जाने के हुसैन जाने। बिस्मिल्लाह। और नाज़रीन बहुत शुक्रिया एक बार सबकी सेहत और सलामती के लिए, जो भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जो डोनर्स हैं, जिन्होंने अभी सोचा है या सोचेंगे, उनकी सेहत और सलामती के लिए दूध पाक पढ़ते हैं। एक बार दूध पाक पढ़ के फिर कॉलर आखिरी ले लें, कॉलर शायद चले गए, तो दूध पाक जरूर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
देके तू एदा वास्ता, देके तू एदा वास्ता, मंग ले दुआ रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। और अपने तमाम हिदायत फैमिली मेंबर्स के नाम ये शेर है। हुण ते जरूर आखांगा कोई नहीं साडे नाल दा, साडे ते फैज होया जहरा दे लाल दा। हुण ते जरूर आखांगा कोई नहीं साडे नाल दा, साडे ते फैज होया जहरा दे लाल दा। हुण के आए ताई बरमला, ओ डर नहीं जरा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। देके तू एदा वास्ता, ओ मंग ले दुआ रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। उतनी नमाज पढ़ हो ना बेचैने, जितनी पढ़ावे अज ते को हुसैने। उतनी नमाज पढ़ हो ना बेचैने, जितनी पढ़ावे अज ते को हुसैने। मुस्तफा सजदा वदा, कहदा खुदा रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। देके तू एदा वास्ता, ओ मंग ले दुआ रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने।